हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं रेडी कर रही हूँ रुद्रांश के लिए लंच बॉक्स। और रात में ही वो मुझे बता देता है, मम्मा आप मुझे नेक्स्ट डे ये रखना टिफिन में। अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ नहीं रखी जाए ना, तो वो टिफिन फिर बचा के लेके आता है। सो घर में पनीर रखा हुआ था, पूछ लिया था उसे तो पनीर का पराठा बनाऊंगी, सो बोला था ठीक है। सो उसके लिए आज मैं पनीर का पराठा दूंगी लंच बॉक्स में, और जो मैंने कल उसके लिए न्यू लंच बॉक्स मंगाया था, आज वो उसी में लेके जाएगा। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है न्यू लंच बॉक्स ले जाने के लिए। पनीर रखा था मैंने, उसको ग्रेट कर लिया। उसके बाद चॉपर में मैंने प्याज अदरक मिर्ची डाल के उसको भी बिल्कुल चॉप कर लिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा तीखा भी नहीं खाता है वो। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी, क्योंकि पहले अगर आप नमक ऐड कर दोगे ना, तो पूरा स्टफिंग ना पानी पानी जैसा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया भुना हुआ, और आटा मैंने नरम सा पहले से लगा के रखा हुआ था। सो अभी करारे करारे पराठे सेक लेते हैं, और ढेर सारी मैंने स्टफिंग भर दी है। और बच्चे ना वैसे भी सब्जियां नहीं खाते हैं, और मैं इसलिए रुद्रांश को जब भी सब्जियां खिलानी रहती है ना, तो पराठे के अंदर अच्छे से भर के उसको देती हूँ, तो वो खा लेता है। सो यहाँ पे अच्छा सा उसको स्टफिंग भर के मैंने पराठा सेक दिया है, और चलिए अभी इसको सेक लेते हैं। पनीर के पराठे वैसे भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, और फटाफट से बन भी जाते हैं। सो यहाँ पे मैं उसके लिए सिर्फ एक ही पराठा बनाऊंगी, उसके बाद सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसको टिफिन पहले मैं पैक करके आज दूंगी। अपना रुद्रांश न्यू लंच बॉक्स लेके जाएगा, और न्यू लंच बॉक्स में लेके जाएगा आज पनीर का पराठा। सो फ्रूट मैं उसको बनाना रखूंगी। बनाना मैंने कट करके रख दिया है, उसके बाद उसकी मनपसंद जो कुकीज़ थी ना, मैंने वो रख दी है चॉकलेट वाली। एंड पराठा जो सेका था ना, पराठे को मैंने ऐसे 4 पीस करके और उसको मैंने टिश्यू पेपर में रैप करके रख दिया है। उसके बाद जो डिब्बी आई हुई थी ना, उसमें गोल उसमें मैंने सॉस रख दिया है। और उसके बाद ये देखिए रुद्रांश का टिफिन रेडी। इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि घर पे दादू एंड चाचू से बात कर रहा था, सबको अपना लंच बॉक्स दिखा रहा था कि आज मैं न्यू लंच बॉक्स लेके जा रहा हूँ। सो अभी मैं उसका बैग रेडी कर रही हूँ, बुक्स वगैरह रख रही हूँ। ये तो चले गए हैं रुद्रांश को स्कूल छोड़ने के लिए। एंड आज कुछ ब्लू कलर डे कुछ स्कूल में था, मतलब ब्लू कलर के कपड़े उसको पहन के जाने थे, तो थे नहीं, तो थोड़ी बहुत शर्ट उसको ब्लू कलर की मिल रही थी, तो मैंने उसको वही पहना दी एंड पैंट पहना दिया, क्योंकि इस टाइम पे ना मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, तो मैंने फुल पैंट पहना दिया। पहले उसको हाफ पहनाया था, फिर उसको ना फुल पहना दिया, क्योंकि इस टाइम पर ना थोड़ा सा मच्छर वच्छर के कारण डेंगू फैल रहा है ना, उसकी वजह से। सो अभी मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या, वही पनीर के पराठे बनेंगे। टाइम अभी 8:30 भी नहीं हुए, 8:20 हो गए हैं, उसको 8:30 बजे स्कूल पहुंचना रहता है। सो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ये चले गए स्कूल छोड़ने के लिए। मम्मी हमारी नहा धो के बिल्कुल रेडी है, इधर उधर घूम रही हैं। सो काम करते हैं हम। एंड बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, बारिश कल बारिश हुई, कल तो इतना तेज़ बारिश हुई ना, पूरे रोजाना को मैं जब स्कूल से लेके आई ना, पूरा पानी पानी से गीला हो गया था, और आज भी बारिश हो रही है। सो ये गए हैं गाड़ी से छोड़ने के लिए। तो ये रखी है स्टफिंग, ये रुद्रांश को अभी टिफिन रेडी किया है, ये छिलके पड़े हुए हैं। अभी बाकी लोगों को पराठा सेक देते हैं, क्योंकि मैंने ना एक ही पराठा सेका था उसके टिफिन के लिए, क्योंकि फिर वो लेट हो जाता, और एक बना के उसको टिफिन में पैक कर दिया। वो एक ही खाता है, एक फिनिश करके आ जाता है, अगर दो रख दो ना, तो फिर वो बचा के लेके आता है। तो एक रख देती हूँ, थोड़ी सी सॉस रख देती हूँ जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे से खा ले, क्योंकि सब्जी वगैरह रखती हूँ ना, तो वो खाता नहीं है, फिर बचा के लेके आता, क्या मतलब पेट भरे नहीं, वो बचा के लेके आ जाए। इससे अच्छा कुछ ऐसा रखो ना जिससे पेट भी भर जाए और खा भी ले। मम्मी देखो हमारी बनाना खा रही है। मैं जा रही हूँ अभी रुद्रांश को स्कूल से लेने के लिए, टाइम हो गया उसके स्कूल से लेके आने का। रुद्रांश को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से, साइड मेरा बैग है, एक साइड रुद्रांश का बैग है, हाथ में है आलू प्याज क्योंकि जब मैं उसको स्कूल से लेने जाती हूँ ना, तो साथ के साथ सब्जियाँ वगैरह भी ले आती हूँ, फिर दोबारा से सब्जी वगैरह लेने के लिए नहीं जाना। और मम्मा के साइड में एक कचरा पड़ा लिफ्ट में, कुछ गंदा पड़ा हुआ है। सो चलते हैं ऊपर। प्रेस नहीं किया प्रेस किया नहीं, कहाँ से जाइए।
आपकी गलती है ना, आप टिफिन की हमारे बॉटल ही नहीं ले गए। लंच में बनाई हुई है आज नमकीन खिचड़ी, क्योंकि सुबह थोड़ा पनीर का पराठा हैवी हो गया था तो इतनी किसी को भूख नहीं थी, तो सोचा थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लेंगे। रुद्रांश आ गया था स्कूल से, उसके बाद हम लोग सब लोगों ने लंच किया एंड उसके बाद ये देखिए क्या मस्ती चल रही है, वो अपनी तलवार है जो लेके घूम रहा है। मम्मी मेरे पास में बैठी थी, मैं बैठी हुई थी लैपटॉप पर वीडियो को अपलोड करने के लिए, और रुद्रांश के पापा अपना कुछ काम लेके बैठे हुए, जब वो घर में रहते तो वो भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सो यहाँ पर CPU का कुछ ख़राब हो गया था तो उसको लेके बैठे हुए थे। रुद्रांश के नानू चला रहे थे गाड़ी, क्योंकि रुद्रांश पीछे बैठा लेता है उनको और बोलता है नानू चलो मैं आपको घुमाऊंगा। लंच वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, वीडियो को अपलोड पे लगा दिया था एंड अभी मैं करवाऊंगी उसको होमवर्क, क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खाता है, फिर थोड़ा बहुत आराम करता है एंड उसके बाद फिर वो अपना होमवर्क करता है। सो ये बैठा हुआ है, उसकी कॉपियाँ रखी हुई हैं, अभी मैं उसको करवाने वाली हूँ होमवर्क, क्योंकि आज कितना उसकी 3 कॉपियों में होमवर्क आया है तो 3 कॉपियों का होमवर्क करवाना है मुझे। मम्मी पापा दोनों लगे हुए हैं TV में देखने के लिए। अभी मैं पता है क्या खा रही हूँ, ये मम्मी लेके आई है बना के, ये मूंगफली एंड गुड़ की पट्टी है, थोड़ा सा मीठा खाने का मन हो रहा था। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, सो अभी मैं पहले इसका होमवर्क करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम चाय वगैरह बनाएंगे एंड फिर उसके बाद डिनर बनाएंगे। स्पेशली ये रुद्रांश के लिए बना के लेके आई थी, क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है। गिरा क्यों रहे हो, अच्छे से खा लो बैठ के। होमवर्क कंप्लीट करवाने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में, सबके लिए बना रही हूँ मैं चाय। और ये जो मम्मी गीली वाली मूंगफली लेके आई थी तो मम्मी ने दाना निकाल दिया था, सो सोचा थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लेते हैं, इसे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो एक साइड ना मूंगफली को रोस्ट हो रही है और दूसरी तरफ चाय बन रही है सबके लिए, सो चाय पीते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने बनाया डिनर। सो आज मम्मी ने बनाई है डिनर में अरबी टमाटर की सब्जी, काफ़ी अच्छी लगती है ये। और उसके बाद फिर मैंने बनाई हुई थी रोटियां, सो कुछ इस तरीके से हमारा खाना बन गया। और पता है सब है ना साथ में ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा ना तो कहीं बाहर भी मम्मी पापा को लेके नहीं गए हम घुमाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो जा रहे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वही रात के बज गए हैं 11, यहाँ सोने के कोई नामो निशान नहीं है, मूवी दिख रही है मोबाइल में टीवी में। मम्मी भी आज जाग रही, मम्मी ना गांव में रहती है ना, 8 बजे सो जाती हैं, सब लोग जाग रहे हैं। रुद्रांश के कपड़े चेंज करना है मुझे,